एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा, आप सभी का स्वागत है प्योर वेजिटेरियन रसोई में। वैसे तो लौकी के कोफ्ते सभी बनाते हैं, मगर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते जो कि मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने लिए है ये लौकी, जिसको अभी हम इस पतले वाले ग्रेटर में ग्रेट करेंगे। हमने लिए हैं 3 टमाटर जो हमने ग्रेट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं मिक्सी में चलाकर, 2 बड़े प्याज, अदरक और हरी मिर्च। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसका छौंक, जिसके लिए हमने लिया एक कुकर और उसके अंदर डाला 1 चम्मच देसी घी। साथ ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग। जब ये जीरा और हमारा हींग हो जाए अच्छी तरह, हम इसमें ऐड करेंगे अदरक हरी मिर्च। इसको हमने थोड़ा सा भूना है। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं अनियन, जो कि हमने पहले से ही काट के रखा हुआ है। इतने हमारा ये अनियन भुनेगा, हम अपनी लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए हमारा अनियन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज जो हमने पहले से ही ग्रेट करके रखे हैं। हमने इसमें 3 टमाटोज यूज करे हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 स्पून सॉल्ट, नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सौंफ पीसी हुई। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अब इतने हमारा ये भुनेगा, हम अपने कोफ्ते रेडी करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कोफ्तों में हमारा क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं हम, जिससे कि कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनते हैं। टमाटो भुनने के साथ साथ इसको कैसे भुनना है, हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही भी ऐड करेंगे और अब इसको हम आराम से भुनने देंगे। देखिए ये हमारे हमने लौकी गज ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 करछी बेसन, नॉर्मल बेसन है ये। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम बाद में देखेंगे कि हमें इसमें बेसन में और बेसन की और ज़रूरत तो नहीं है। हमने इसमें 1 करछी बेसन और ऐड करा है। और इसको हमें अच्छे से मलना है। अब ये है वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमें डालकर बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। हमने इसमें डाला है 1/2 चम्मच इनो। अब ये हमें बहुत अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए रख लेना है, जिससे कि ये इनो हमारा फ्लफ़ी हो जाए और मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया था। हमने इसमें छोटे छोटे साइज़ के ये कोफ जो हमने मिक्सचर बनाया है कोफ्ते का, उसके बॉल्स हम इसमें डाल रहे हैं। ये हम थोड़े छोटे ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें इनो ऐड करा है, तो ये साइज़ में थोड़े से बढ़ जाएंगे। देखिए हमने बिल्कुल लो गैस करकर इसमें अपने कोफ्ते डाले हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही साथ देखिए हमारा छौंक भी बन रहा है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है। इतने हम कर रहे हैं कोफ्ते फ्राई।
हमने लौकी का पानी बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं था, हमने और पानी यूज़ नहीं करा कोफ्ते को मिक्स करने के लिए, हमने लौकी के पानी में ही जितना लौकी में वाटर था उतने में ही हमने पानी बेसन अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया लौकी का मिक्सचर बनाने के लिए, कोफ्ते का मिक्सचर हमने बेसन में कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ एक नमक और हल्की सी मिर्च डाली है ताकि हल्का सा फ्लेवर आ जाए उसमें। अभी हम ये बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हम सारा काम साथ साथ कर रहे हैं। हमें कोफ्ते में क्योंकि गर्म पानी डालना है तो हमने एक गैस पे कोफ्ते के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है तेज़ गैस पर, एक पर हम चौक बना रहे हैं और एक पर हम कोफ्ते तल रहे हैं। इससे क्या होता है हमारा थोड़ा सा समय बच जाता है और सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाएगी। देखिए हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं, अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल रहे हैं। हमें ध्यान रखना है ज़्यादा लाल ना हो क्योंकि फिर ये दिखने में सुंदर नहीं लगेंगे। हमने ये बहुत ही सिम गैस पर बनाए हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। कितने सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं कि बच्चे ये ऐसे ही भी खाने बहुत पसंद करते हैं। अगर हमें कोफ्ते नहीं बनाने तो हम ये ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों के लिए एज अ पकौड़ी। अब हम इसमें अपने और सारे लेफ्ट ओवर कोफ्ते तल लेंगे। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसको धीरे से कोफ्तों वाले छौंक में डालेंगे। गर्म पानी से एकदम कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे आप देखिए। हमने अभी इसमें थोड़ा पानी डाल के अब इसके अंदर हम इसको पकाएंगे। देखिए इसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम एंड में क्या करेंगे, जो हमने जिस बर्तन में कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते का मिक्सचर बनाया था, उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको धो के, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा। देखिए ये मैंने इसमें पानी धो के अच्छी तरह डाल दिया है। अब इसका हम बॉईल आने का वेट करेंगे, इसमें बहुत अच्छी तरह खद्दे आ जाने चाहिए, तब हम इसमें एंड में कोफ्ते डालेंगे। देखिए ये हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे कितने सॉफ्ट बने एकदम। कोफ्ते में पानी हमें ज़्यादा ही रखना है ताकि ये अच्छे से बन पाए। कोफ्ते पानी पीते हैं इसलिए हम इसके अंदर पानी ज़्यादा रखते हैं। हमें इन्हें ऐसे ही 15 मिनट तक बॉईल करने हैं ताकि इनमें पानी अच्छे से रम जाए। देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए, हमने इसमें एंड में डाली है थोड़ी सी खटाई और थोड़ा सा गरम मसाला फॉर फ्लेवर। अब हमने गैस बंद कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। देखिए हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, बनते बनते भी खुल रहे हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हैं और ये खाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। हम आपको दिखाएं, ये देखिए इसके अंदर ऐसा लग रहा है एक ही दम से करछी जा रही है। और आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टा पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।